आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। किसी भी युवा की सरकार से दो चीजों की अपेक्षा होती है, अच्छी शिक्षा और एक नौकरी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोदी सरकार किस प्रकार से युवाओं को नौकरियों से स्कैम कर रही है। एसएससी स्कैम में अभी हमने देखा, एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, और हम ये भी अब देखेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार बहुत ही सिस्टमैटिकली युवाओं को शिक्षा से भी वंचित करने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जावड़ेकर जी ने बहुत ही एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया, जो उनके शब्दों में हिस्टोरिक अनाउंसमेंट था, जो कि यूजीसी के ग्रेडेड ऑटोनॉमी गाइडलाइंस के ऊपर था। उन्होंने कहा कि इन ग्रेडेड ऑटोनॉमी के गाइडलाइंस के अंतर्गत 60 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बिकम ऑटोनॉमस। मगर ये एक्चुअली में ये ऑटोनॉमी से ज़्यादा दिस इज़ अ रूज, ये एक तरीका है कि हम पब्लिक फंडिंग शिक्षा के लिए ख़त्म करें। तो आपको इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के गाइडलाइंस हैं उसमें सेक्शन 4 बताता है कि किस प्रकार से डायमेंशंस ऑफ ऑटोनॉमी हैं। तो यू कैन स्टार्ट अ न्यू कोर्स, आप कोई ऑफ कैंपस खोल सकते हैं, आप फैकल्टी को हायर कर सकते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। द वन थिंग जो कि बार बार एक फ्रेज रीअकर करता है वो ये है कि प्रोवाइडेड नो डिमांड फॉर फंड इज़ मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सेक्शन 4 में जैसे एक है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट अ न्यू कोर्स और प्रोग्राम प्रोवाइडेड नो डिमांड फॉर फंड इज़ मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ स्टार्टिंग द न्यू कोर्स। इसका ये मतलब है कि सरकार, बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि जो ऑटोनॉमी को, एकेडमिक ऑटोनॉमी को, वो पब्लिक फंडिंग से लिंक करे, जबकि दोनों के बीच में कोई लिंकेज हो ही नहीं सकता। शिक्षा अगर हमें प्रदान करनी है बच्चों को तो देयर कैन बी नो लिंकेज between autonomy and public funding, but that is exactly what the BJP government is trying to do. ये अगर आप देखेंगे उनका जो total वो है उससे और पता चलता है, मोदी सरकार ने consistently budgetary allocation for higher education को उन्होंने कम किया है। UGC funding under UPA was about 9,000 crores, अब वो funding UGC के लिए सिर्फ 4,700 करोड़ रह गई है। This is also part of a larger budgetary cut in higher education, जो कि 1.57% of the union budget थी, now it's only 1.43% in 2018. The other thing that we are seeing कि ये जो shortfall है ये भाजपा सरकार किस प्रकार से चाहती है, तो जो earlier model of grants था for higher education, grants are now being converted into loans. तो किसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के बजाय सरकार कह रही है कि हम आपको लोन देंगे, ऑब्वियसली दैट लोन विल हैव टू बी रीपेड। सो वो रीपे कैसे होगा, ऑब्वियसली थ्रू स्टूडेंट फीस। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग में शुरू हो रहे हैं, इनफैक्ट गुजरात में सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अबाउट 60% ऑफ द न्यू कोर्सेज इवन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ are all started under self-financing mode. So this is backdoor privatization of public education. So yehi sarkar ab pure national level pe, ye Gujarat model of commercialized education, ye national level pe karna chahte hain by moving away from grants and subsidies for higher education to loans. Finally, main ye bolna chahti hoon ki ye autonomy jo ki ye sarkar keh rahi hai ki hum autonomy de rahe hain higher education institutions ko, this is a complete misnomer. पहले भी VCs, अगर आप किसी भी फॉर्मर VC से पूछेंगे तो दे कुड ऑलरेडी स्टार्ट न्यू कोर्सेज विदाउट हैविंग टू गो टू द UGC. दे ओनली हैड टू गो फॉर अप्रूवल टू द AC, द एकेडमिक काउंसिल एंड टू द EC. दे नेवर हैड टू गो टू द UGC टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स अंड विद इन देयर करंट एकेडमिक फ्रेमवर्क। सो वॉट आर दे सेइंग व्हेन दे से ऑटोनॉमी? एंड जब BJP सरकार अपने कमिटेड VCs सारे यूनिवर्सिटीज़ में लगा रही है एंड थ्रू दोज VCs दे आर ऑल्सो फिलिंग द EC एंड द AC, सो वॉट आर दे पॉसिबली? वो ऑटोनॉमी की जो बात हो रही है वो ऑब्वियसली बिल्कुल ही फर्जी बात हो रही है। देर इज़ नो ऑटोनॉमी इन यूनिवर्सिटीज़। हम ये भी देखते हैं कि UGC और AICTE का जो रोल है करिकुलम रिफॉर्म में, वो बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं दे रहा है। AICTE अभी उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्सेज में जो रिवैम्प किए हैं, that has nothing to do with autonomy for higher education institutions. Second, campuses mein UGC ke jo notifications or circulars nikle ki Modi ji ki speech ko hamare ko sare campuses mein dikhana hai, that shows that actually the BJP government does not care about autonomy at all.
फाइनली ये जो भाजपा सरकार का जो एंटी सोशल जस्टिस स्टांस है वो दो चीज़ों से बहुत क्लियरली निकल कर आता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर एससी स्टूडेंट्स 50 लाख एससी बच्चों को स्टूडेंट्स को मदद करती है, उसमें जो बजटरी रिक्वायरमेंट अभी 8,600 करोड़ का है एंड आप देखेंगे कि पिछले 4 साल में इट हैज़ बिन बिल्डिंग अप। सरकार ने इसके लिए सिर्फ 3,000 करोड़ दिया है, तो वो जो बाकी के बच्चे हैं जिनके लिए पैसा नहीं दिया गया है वो कैसे होगा? सो इट गोज रैंडम एलोकेशन होता है बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए। जो UGC का नोटिफिकेशन है March 5th का, वो रिजर्वेशन भी फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स में अंडरमाइन कर रहे हैं बाय सेइंग दैट रिजर्वेशन विल बी डन डिपार्टमेंट वाइज एज अपोज टू कैलकुलेटिंग द कॉलेज यूनिट एज अ होल। इससे भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन के जो पद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो टोटल ओवरऑल इससे ये दिख रहा है कि एक्चुअली में व्हाट द BJP गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमी, उतना ऑटोनॉमी ऑलरेडी था ही VCs के पास। Under the guise of autonomy, they're trying to pull public funding for higher education. आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।